हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं मैं बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं भद्रकाली मंदिर। ये है हजारीबाग से आगे, चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे यहाँ से ये 40 किलोमीटर लगभग दूरी पर पड़ता है। लोग सुबह में 10:30 बजे के करीब निकल गए थे। देखिए दोपहर का वक्त होने वाला है, लेकिन धूप उतना लग नहीं रहा है क्योंकि ठंड का मौसम में उतना धूप जो होती है ना वो थोड़ा तेज़ नहीं होती है। देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर था, पूरा चारों तरफ से हरियाली लग रहा था इतना। सो फ्रेंड्स, हमें रास्ते में एक टेम्पल मिल गया और देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। टाइम होने वाला है, वही 10:30 हो रहे होंगे। हमें पहुँचते पहुँचते मंदिर पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे। तो 11 बजे 12 बजे तो वहाँ पे मंदिर बंद हो जाता है 1 घंटे के लिए। वहाँ पे क्या सारे मंदिर ही 12 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए हम मंदिर तो पहुँच गए हैं, और यहाँ पे देखिए दोनों साइड दुकान सजा हुआ है, बहुत लंबी दुकानें सजी हुई है, बहुत ही ज़्यादा दुकान है यहाँ पे। यहाँ पे आप पूजा का सामान ले सकते हैं, खिलौने, बच्चे के खिलौने, लॉकेट वैकेट, मतलब सारा चीज़ यहाँ पे मंदिर मंदिर से जुड़े हुए सारे मिल जाते हैं। और ये देखिए मेन गेट, यहाँ पे हम एंटर करने जा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर मंदिर है, मतलब पार्क है ना, पार्क जैसा लग रहा है पूरा, जैसे कि यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा, मन को शांति मिली है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो प्लीज़ चले जाइएगा देखने के लिए। और अगर झारखंड से आप हैं ना तो मैं कहूँगी एक बार तो ज़रूर जाके देखिए, यहाँ पे विजिट ज़रूर ज़रूर करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप ये जो परिसर देख रहे हैं ना, इस पे हवन वगैरह होता है, यहाँ पे बलि नहीं चढ़ती है। ये भद्रकाली माता, काली माता बोलने से ये नहीं है कि यहाँ पे बलि होता है, बलि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। ये वैष्णवी माँ का रूप है इसलिए यहाँ पे बलि नहीं होता है। तो देखिए ये परिसर बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ का यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वो यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है। देखिए कितना सुंदर व्यू है, ठंड का मौसम यहाँ पे आने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप ठंड के मौसम पे यहाँ पे आ सकते हो, ठंड का मौसम क्या है ना, अब चारों तरफ हरियाली होती है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हम लोग भी ठंड में ही गए थे, अभी मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पे देख लीजिए इधर से इंटर का है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना फर्स्ट में वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बगल में शनि देव का मंदिर है, और वो आप मेन गेट तो एक देख रहे होंगे, उससे एक बीच में रोड गया है, वो नदी के साइड जाता है, और उससे आगे ये शिव जी का मंदिर है। जो रास्ता है ना, वो जो रास्ता जाता है वो उधर, जो मैं नदी बोली ना वो दामोदर नदी के ओर जाता है, दामोदर नदी इधर से ही भी गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ एक बार आके विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे नैन्सी खेल रही है, इसको तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये शिव मंदिर है, नंदी जी बाहर में है। इधर शिव मंदिर के बाहर में बहुत सारा सिंदूर की दुकान लगा हुआ है, वहाँ पे सिंदूर की डब्बी जो होती है ना वो भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। यहाँ पे सिंदूर का दुकान बहुत अच्छा होता है, और बोला जाता है कि अगर आप माँ के दरबार में आए हो ना, तो अगर आप सुहागिन औरतें हो तो आप लोगों को सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सिंदूर बहुत ही अच्छा होता है। लोग वापस जा रहे हैं इधर मंदिर से, लेकिन हमारा ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे और ही अच्छा कुछ
है आप लोगों के लिए। तो देखिए क्या है, यही सरप्राइज है हमारा। हम लोग इधर से जा रहे हैं, देखिए मेन गेट बहुत ही बड़ा है, ये मंदिर बहुत ही अच्छा है। आ सकते हैं, ये मंदिर का मंदिर और बच्चों के पार्क टाइप से खेलने के लिए पार्क भी है, पीने का पानी भी है यहाँ पे। और ये कार्यालय देख रहे हैं ना, ऑफिस यहाँ पे जो दिख रहा है घर, वो ऑफिस है। यहाँ पे टिकट मिलता है म्यूज़ियम का, जी हाँ यहाँ पे म्यूज़ियम भी है। तो म्यूज़ियम में दिखाती हूँ कहाँ पे है म्यूज़ियम और बताती हूँ क्या है। तो ये रहा हमारा म्यूज़ियम। तो ये जो म्यूज़ियम है ना, वो जब मंदिर बन रहा था ना, तो उसके खुदाई के टाइम पे बहुत सारी जो पत्थर है ना, ये सब सारा जो पत्थर आप देख रहे हो, इसमें अमृत कलश, बहुत सारी मूर्तियाँ, बौद्ध जी का मूर्ति, ये सब बहुत कुछ निकला हुआ है। शायद ये मंदिर रहा होगा जो कुछ आपदा के कारण शायद दबुक गया होगा, तो फिर वही निकला है शायद। यहाँ पे ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है, शायद ये उन्हीं की प्रतिमाएं हैं, पता नहीं। अब ये तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप, यहाँ के लोगों से ही पता चला कि ये खुदाई में निकला था। ये सारे को पता नहीं है कि यहाँ पे एक म्यूजियम भी है। वैसे अभी आने वाले टाइम पे मंदिर के बैक साइड में बहुत ही अच्छा म्यूजियम बनने वाला है, तो अब देखिए कब तक म्यूजियम बनता है। अगर मैं कोशिश करूँगी कभी कि अगर जा पाऊँ दोबारा, तो ज़रूर अच्छा से अच्छा ब्लॉग फिर से वापस से मैं बनाऊँगी। अभी तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे जितना पता था मैं आप लोगों को बता दी हूँ, दिखा दी हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा। और चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए इतना सारा खुदाई में ही सारा निकला हुआ है, बहुत सारी मूर्तियां हैं। ये देखिए गरुड़ जी का वाहन, गैया, बहुत सारा है यहाँ पे। नैन्सी यहाँ पे भी आके मानी नहीं, यहाँ पे भी खेल रही थी, तो देख लीजिए। और ये है हमारा मेन गेट, अब हम जा रहे हैं वापस घर। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंजॉय किए। और ये देखिए दोनों साइड में दुकानें लगी हुई है, बहुत ही अच्छे दुकान है यहाँ पे, चूड़ी का, सिंदूर का, बच्चों के खिलौने, ब्रासलेट, कड़ा, लॉकेट, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और पूजा का सामान भी मिलता है इधर, और पार्किंग एरिया भी बना हुआ है यहाँ पे। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।